भाव जैसा आप कहें, मैं ही शुरुआत करता हूं। अनुषा बेटा, पहले तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि जब से तुम आयुष की लाइफ में आई हो, उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। और अब तो आप दोनों जीवन साथी बन गए हो। अनुषा बेटा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आयुष की लाइफ को और संवारना और हमेशा आपस में प्यार बनाए रखना। और हां, जिंदगी के किसी मोड़ पे कोई तकलीफ या परेशानी आए तो ये याद रखना कि तुम्हारा बाबा है। अब मेरी बारी। हाँ अनुषा, मैं ना तुम्हें सबके पसंद का खाना बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? हाँ भाई, और तुम्हें ये काम सिर्फ स्वाति सिखा सकती है। अब मैं अनुषा, वैसे तो मैं अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन तुम्हारे साथ करूंगी मेरी डाइट रेसिपीज। इसका मतलब अपना वो एलोवेरा जूस भी? हाँ, वो भी शेयर करूंगी। अनुषा, इस परिवार की मान मर्यादा, सुख दुख आज से तुम्हारे भी है। भगवान करे तुम्हें इस घर से इतनी खुशी, इतना प्यार मिले कि तुम्हें मायके की कभी याद ही ना आए। अब वो भी आएगी भी कैसे? तो तीन तीन माता पिता हैं तुम्हारे लिए। हाँ, और मेरी बात रहेगी। देखो, इस घर का सबसे बड़ा मैं हूँ, बॉस मैं हूँ, हुकुम मैं चलाता हूँ। ये कहने की परमिशन मैंने इससे ले ली है। अनुषा बेटा, आपको मौसी का भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा वैवाहिक जीवन बहुत रोमांचक होने वाला है। और वो क्यों होगा मालूम है? मैं खुद पंढरपुर जाकर विठ्ठल भगवान के यहाँ अपने हाथों से प्रसाद चढ़ा कर आई हूँ। इसलिए अनुषा, अब तो आयुष वक्त के पहले घर आया करेगा। तुम जो आ गई हो घर में, है ना आयुष? अनुषा, वैसे रिश्ते में तो तुम्हारी ननन लगती हूँ, पर हूँ तुम्हारी दोस्त। सो जब कभी किसी दोस्त की जरूरत पड़े, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अब मोही, तू वहां क्यों खड़ी है? अब तेरी बारी है, बोल। कुछ नहीं कहना, हम का कहें? अरे क्यों नहीं कहना? अनुषा के आने से तुझे खुशी नहीं हुई है? नहीं नहीं, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। अरे फिर कुछ कहने से क्यों कतरा रही है, बोल। अनुषा दीदी, आपका जी घर में दिल से स्वागत है। महादेव करे हमारे हिस्से की खुशी अभी आपको मिल जाए। अब तेरे रहते अनुषा खुश रहेगी ना? वैसे भी मुझे अच्छे से मालूम है तू अपनी आयुष जीजा जी और अनुषा दीदी का अच्छे से ख्याल रखेगी, है ना?
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आयुष तुझे भुवाना से लाया ही इसलिए है कि तू अनुषा का ख्याल रख सके, है ना भाई? हाँ? आई, मैं बहुत थक गया हूँ, अपने रूम में जाके आराम करना चाहता हूँ। चलो अनुषा। अरे आयुष, तुम कहाँ चल दिए? कल सत्यनारायण की पूजा होने तक तुम्हें अकेले ही रहना होगा, तब तक तुम अनुषा के साथ नहीं रह सकते। सॉरी, रूल्स है पर फॉलो तो करने ही पड़ेंगे ना। आयुष, डोंट वरी, अनुषा का ख्याल रखने के लिए अंजलि है, दीपा भी है। अरे अंजलि क्यों रह जाएगी अनुषा के पास? ये मोही है ना, वो रहेगी। अंजलि अगर इसके साथ रह लेगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये चाह रही थी कि अब आगे पीछे तो मोही को ही ध्यान रखता है ना अनुषा का। अब आज तक तो घर में झाड़ू पोछा ही करती रही है, और पहले दिन से इसका ख्याल रखेगी तो अच्छा ही है ना, वो सीखेगी। अब जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम लोगों की मर्जी। मुझे भी यही लगता है। मोही, तू अनुषा के साथ आज सो जा। ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। मदद कर देते। थैंक यू। समझ सकते हैं अनुषा दीदी, अपने लोगों को छोड़ के नए लोगों के बीच रहना बहुत मुश्किल है। भले ही ससुराल वाले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बहुत अच्छे से आपका ध्यान क्यों ना रखा तो, पर अपना घर तो अपना ही होता है ना, जो पीछे छूट जाता है वो किया तो आती है ना। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मुझे बहुत मदद मिल जाएगी एडजस्ट करने में। और वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई भी तो शुरू करनी है ताकि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाए और तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए। हमारी भी भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि वो आपका सपना पूरा करे। हमें आपकी जिंदगी से दूर जाना है। सहरी बाबू को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। जी हमारी मजबूरी भी है और हमारी मर्जी भी। प्यार की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। आदत नहीं है ना उन्हें मेरे बिना रहने की।
हाजी, उनके घुटनों में दर्द रहता है ना, दवाइयां लिया है कि नहीं पता नहीं। आप चिंता नहीं करो, और देखना जेकर में भी आपको कोनो तकलीफ नहीं होगी। जे घर के लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मोहित। बहुत रात हो गई है, आप आराम करो, हम ये सब संभाल के रख देते। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।